हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है ट्यूसडे और डेट है 31 अगस्त, और मैं ये ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर क्या मतलब 2 से 2:30 बज गया था, और मैंने सुबह सारी चीज़ें कर ली थी, खाना वगैरह बना लिया था सारी चीज़ें, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब दोपहर से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये जो है यहाँ पर रिमांस ने बेडशीट गंदी कर दी थी, तो वही मैंने चेंज कर दी है यहाँ पर, और बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैंने धुल दी है, किचन क्लीन कर लिया है, और थोड़ा सा फ्रिज पे मैसी हो गया था तो वही मैं सही कर रही थी। और अब मैं पानी पीने के लिए बैठी हूँ फुर्सत से, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक लगातार मैं काम कर ही रही थी, बर्तन धुले और फिर जो है बेडशीट चेंज की। और अब मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह तो मैंने लगाई थी, लेकिन क्या हुआ था ना कि कुछ चीज़ें गिर गई थी, तो वही मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये मैं अब मंदिर जो है साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। डीप क्लीनिंग आज मैं इसकी करूँगी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे सूतक चल रहा था तो हम लोग पूजा नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए अब मैं आज मंदिर को पूरा क्लीन कर दूँगी। फिर कल से मैं या इवनिंग में ही पूजा फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब सूतक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं पूरा मंदिर का ऊपर का सारा पोर्शन जो है जो भी है वो मंदिर से मूर्तियाँ वगैरह हटा करके, और इसके लिए मैं एक लिक्विड बनाती हूँ जो कि व्हाइट वेनेगर और जो है डिटर्जेंट उसमें डाल करके लिक्विड डिशवाश सॉप, तो उसी से मैं क्लीन करती हूँ पूरा मंदिर। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, उससे आपके शाइनिंग भी आ जाती है। तो वही मैं ले करके उसी से मैं रगड़ भी रही हूँ, और ऊपर की सारी चीज़ें मैं निकाल करके भगवान जी के सारे कपड़े उतार करके मैंने रख दिए हैं, जिनको मैं वॉश करके फिर से पहनाऊँगी। और अभी मैं कर रही हूँ मंदिर की डीप क्लीनिंग।
मंदिर पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है और अब मैं यहाँ पर, मेरे पास एक लाइट रखी हुई थी तो वही मैंने सोचा कि लाइट ला लगा देते हैं, क्योंकि क्या था ना, फूल माला सारे उतर गए थे तो मंदिर थोड़ा सूना लग रहा था, तो इसीलिए मैंने लाइट लगा रही थी। और रिवांश भी मेरे साथ साथ खेलते हुए पढ़ाते रहते हैं काम सारे, तो वही मैं लाइट अब लगा रही हूँ। और आप देखिए लाइट लग गई है, लाइट लगने के बाद मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा था साफ होने के बाद। देखिए कितना सुंदर अच्छा व्यू आ रहा है मंदिर का, लाइट से बहुत ही अच्छा लगने लगा मंदिर, थोड़ा सा रौनक आ गई इसमें। और इसके बाद मैं बनाऊंगी जो है मुरमुरे, उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल के मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने मूंगफली उसमें एक कटोरी से ऊपर डाल दी है और इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे ताकि कच्ची ना रहे। और जब अगर आपके पास जैसे कि मूंगफली नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने मूंगफली डाली है। आपके पास अगर ना कच्ची करी हो तो इसको भी आप फ्राई कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी वो भी लगता है इसमें डालने पे, पर मेरे पास आज वो थी नहीं तो इसीलिए मैंने केवल मूंगफली जो है डीप फ्राई कर ली है। तो ये देखिए मेरी मूंगफली एकदम जो है भुन चुकी है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसके बाद जो है सारी मूंगफली निकाल लूँगी तेल में। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि उसमें बस फ्राई हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल आप डाल देंगे तो फिर वो फिर लइया में ख़राब लगेगा, इसीलिए मैंने मीडियम तेल डाला है ताकि सारी चीज़ें उसमें भुन जाएँ और जो रेस्ट तेल रह जाएगा उसको मैं जो है उसी जो है भूनने में डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी भुन चुकी हैं सारी मूँगफली, तो मैं इसको निकाल करके फिर इसमें मैं करी पत्ता डालूँगी जो कि हमारे यहाँ पेड़ ही लगा हुआ है, छोटा सा मैंने पेड़ लगाया है अभी, तो उसके 4-5 लीफ मैंने डाल दिए इसमें। करी पत्ता अच्छे से भुन गया है मेरा, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और करी पत्ता भुनने के बाद इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन डाल करके अच्छे से इसको पका लेंगे, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो कच्चापन आएगा, हल्का ब्राउन हो जाए एकदम, तो लहसुन मेरा भुन गया है। अब इसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा डाल करके जीरा को अच्छे से जो है भून लेना है ताकि वो भी पक जाए, काला ना जलने ना पाए, तो इसीलिए मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि बहुत तेज़ कढ़ाई गर्म हो गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है गरम मसाला मैंने डाला है और हल्दी पाउडर डाला है और ये नमक मैं डाल रही हूँ इसमें, और नमक अपने अनुसार डालिए, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि थोड़ा सा ही नमक इसमें बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो वही मैंने डाला है। अभी लाल मिर्च मैंने नहीं डाला क्योंकि लाल मिर्च जल जाती है तो जलने का टेस्ट आता है, तो लाल मिर्च मैं बाद में डालूंगी। अभी अब मैं ये पैकेट जो आया था हमारे पास लइया का, वही मैं उसी से डायरेक्ट ही डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी ताज़ा ही आया है, नया ही आया है, तो वही मैं डाल रही हूँ इसमें और लगभग फुल कढ़ाई में इसमें भून लूँगी, अच्छे से इसको भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मेरी लइया भून गई, तो अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच, आपके पास जैसे फ्लैक्स हो, चिली फ्लैक्स तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास पीसी लाल मिर्च थी मैंने वो डाल दी, और मूंगफली और जो मैंने करी पत्ता भून कर रखा था वो मैंने डाल दिया है, और इस तरह मेरी ये रेडी हो गई है। तो आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।
मतलब नमकीन फेल हो जाती है इसके आगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।